नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पर्मे टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। दंतेश्वरी माई के पावन धरा से बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो कि जगदलपुर से होते हुए आज तीसरे दिन कांकेर पहुंची है। इसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया है, जैसे मुख्य रूप से कांकेर लोकसभा के सांसद मोहन मांडवी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आदि शामिल हैं। इसी के साथ आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना करेंगे और रणजीत स्टेडियम में एक विशाल आम सभा का आयोजन करेंगे। माता खुड़िया रानी का आराधना करके, पूजा अर्चना करके हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी जसपुर से, और इस परिवर्तन यात्रा को शुभारंभ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जसपुर आ रहे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा का आशय ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो सरकार दिशाहीन हो गई, वो शासन जो है वो कुशासन के रूप में तब्दील हो गया है। इधर बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से पहले चरण में परिवर्तन यात्रा निकाला गया था, वहीं अब 15 सितंबर को जशपुर से दूसरे चरण का परिवर्तन यात्रा निकाला जाएगा, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें निकम्मी, कामचोर और माफिया की सरकार बताया। उनका कहना है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान गांव-गांव में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ यात्रा का स्वागत कर रही है, जिसमें साफ होता है कि लोग अभी तक कांग्रेस सरकार की अन्याय और अत्याचार से चुप थे, लेकिन अब उन्हें मौका मिल गया है, इसलिए आम जनता बड़ी संख्या से सड़कों पर उतरकर परिवर्तन यात्रा का समर्थन कर रही है। वहीं उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में इस सरकार को परिवर्तित करना है, भ्रष्ट, निकम्मी, कामचोर और अनार्की करने वाली, नादिरशाही करने वाली माफिया सरकार जिसने छत्तीसगढ़ को लूट कर अपने आताओं का ढेर भरा है, ऐसी सरकार को बदलने के लिए पहली यात्रा दंतेवाड़ा से 12 तारीख के शुरू होते हैं, 12 सितंबर को, और दूसरी यात्रा कल 15 सितंबर को जसपुर से शुरू होगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस परिवर्तन यात्रा में हजारों की संख्या में बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है, और वहीं इस अवसर पर बीजेपी के कदावर नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय सोहन पोटाई के बेटे के नेतृत्व में हजारों की संख्या कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। केदार कश्यप ने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा से हम परिवर्तन लाकर आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत से अपनी में जीत दर्ज करवाएंगे। इधर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के दौरे पर आए थे, जिसको लेकर भी राजनीति तेज है, और इसी को देखते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और कांग्रेस के झूठ बोलने वाले आरोप पर कहा है कि दीपक बैच का कद इतना बड़ा नहीं है कि मोदी के बारे में बात करे, वो अभी खुद को कांग्रेस पार्टी के स्थापित कर ले और मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमना बंद करे। और इसी के साथ टीएस सिंहदेव के मोदी की तारीफ पर उन्होंने कहा कि सिंहदेव कांग्रेस के सबसे संस्कारी राजनेता हैं। देश के प्रधानमंत्री की आलोचना किस लिए होनी चाहिए? आलोचना के लिए जो मंच है वहाँ पे संसदीय लोकतंत्र में आलोचना भी होती है, पर सार्वजनिक अभिव्यक्तियाँ जो होती हैं वो सम्मान की होती हैं, और वो सम्मान टीएस सिंहदेव जी ने दिया, और मैं सोचता हूँ कि श्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस के सबसे संस्कारी राजनेता। ऐसे ही खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्पर्मे टाइम्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।